हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं स्टार कंप्यूटर एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटो एडिटिंग। जी हां फ्रेंड्स, फोटो एडिटिंग बहुत सारे लोग आप यूज करते हैं, लेकिन उसमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर और सारे जो आपके कलराइज की सेटिंग होती है, ये सारी सेटिंग्स आपको हर एक एप्लीकेशन में आपको नहीं मिल पाती। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चीज आपको नहीं मिल पाती क्योंकि हर एक कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। बट आपको ये जो मैं बताने चाहता हूँ, इसमें आपको कुछ किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये हर एक के मोबाइल में रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पर हम ओपन करते हैं गूगल फोटो को। गूगल फोटो मेरा यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो देखिए, इतना ओपन होने के बाद मैं यहाँ से किसी एक फोटो को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। इतना ओपन करने के जस्ट बाद आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पर जो क्लैरिटी हम किस तरीके से बढ़ाने वाले हैं। आप देखिए, शेयर के बगल में ये जो हमारे सेटिंग्स की एक बटन बनी हुई है, आपको इसी पैसे में ही क्लिक कर देना है। देखिएगा, आपको यहाँ पर मिलते हैं सबसे पहले आपको फिल्टर, जिस पे भी आप क्लिक करके ऐसे फिल्टर करना चाहें आप यहाँ पर देखिए ऐसे में फिल्टर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरे के पूरे देखने की कोशिश करिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे फिल्टर, जिस भी आप जो भी फिल्टर का आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट फिल्टर यहाँ से ओरिजिनल मोड में हम लेकर चलते हैं और बाकी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले इस पे। तो देखिएगा, यहाँ पर जो हमारी सेटिंग्स के बटन दी हुई है, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर आपको मिलता है लाइटिंग। ध्यान दीजिएगा, लाइट दिया है, लाइट पर मैं ऐसे लाइटिंग इसकी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से कितनी क्लियरिटी आप यहाँ से अपने इमेज पे दिख पा रही है गाइस, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इतना करने के बाद अगर और सारी सेटिंग्स अगर आपको यहाँ पर करना है ओनली लाइटिंग से रिलेटेड ही, तो गाइस आप उसी पे यहाँ पर कॉर्नर पर ऐसे में क्लिक कर लीजिए। आपको देखिए कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पर दे दिए, इसकी कॉन्ट्रास्ट को आप बढ़ा सकते हो, देख रहे हो आप। अब इतना करने के बाद अगर आप व्हाइटनेस को अगर आप घटाना चाहते हो तो घटा सकते हो, बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। देखिए, ऐसे में आप यहाँ से व्हाइटनेस को बढ़ा घटा सकते हो। गाइस, इसके नीचे दिया हुआ हाईलाइट, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर इसको ऐसे नीचे करता हूँ, देखिए ये बहुत कम, ये फीके में थोड़ा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसके हाईलाइट कर सकते हो और इसको आप ऐसे में कम कर सकते हो। तो मैं इसको मिड पॉइंट में ही रखता हूँ। अगर आपको जहाँ पर लगता हो कि शैडो, जैसे कि परछाई मॉडल आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा हो, अगर वहाँ पर शैडो को अगर हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, देखिए वो भी हमारा ऐसे में क्लैरिटी दिखाने लगता है। अगर इसको शैडो कम कर दूंगा तो शैडो जितने स्थान पे वो सब ब्लैकनेस दिखने लगेगा। तो हम इसको ऐसा शैडो को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। जितने ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को हम ऐसे और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, इससे हम ब्लैक को ऐसे में कम कर सकते हो। तो गाइस, हम इसको यहाँ से बीच में रखते हैं। अब देखिए, विग्नेट आपको जो दिया हुआ, ये चारों तरफ से ऐसे में आपको ब्लैकनेस थोड़ा सा ऐसे में आपको पॉइंट्स लेता है। देखिएगा, इसका प्रयोग करते ही होंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, बहुत ही क्लियरिटी, बहुत ही बेस्ट तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बाकी देखिएगा, इस हम इसी पर पुनः ऐसे क्लिक कर देता लाइटन, तो लाइटन ऐसे हो गया। बाकी आपको मिलता है कलर। तो देखिए, कलर हमारा क्या करता है, इस तरीके से देखिए कलराइज यहाँ पर मेरा, ये देखिए कितने क्लियरिटी में ऐसे करके ले रहा है। बाकी अगर और कलर की सेटिंग करनी हो तो हम इसी पैसे में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आके वार्म ऐसे कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ वार्म की सेटिंग होती है, कलराइज आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हो। गाइस, इसके बाद आपको मिलता है टिंट। देखिए, टिंट से आप यहाँ से कलर को भी आप यहाँ से मिक्सअप कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से आपको मिल जाएगा स्क्रीन कलर। यहाँ से स्किन कलर आपको मिलता है, इस तरीके से आप स्किन कलर को ही आप यहाँ से डार्क कर सकते हो और यहाँ से आप इसे हल्के में कर सकते हो। इस तरीके से आप स्किन कलर को मैच भी करा सकते हैं। अब उसके नीचे आपको मिलता है ब्लू, अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो ब्लू कलर जहाँ पर भी होगा वह डार्क होगा, यानी कि और ज़्यादा आपको मालूम चलेगा ब्लू। अगर इसको मैं कम करूँगा तो ब्लू हल्का मालूम चलेगा। तो गाइस, हम इसको बीच में रखते हैं और इसको यहाँ से फिर से उसे भी क्लिक कर दिया। लास्टली आपको मिलता है यहाँ से पॉप का क्या यूज होता है, ये क्लियरिटी जैसे बढ़ाई जाती है, क्लियरिटी के जैसा ही आपका कार्य करता है। मैं इस पर आता हूँ और क्लियरिटी देखिए इस तरीके से मेरा बढ़ाता है। देखिए, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से हल्का सा बढ़ा देता हूँ अपने इमेज के अनुसार। बाकी शेव कॉपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए आपकी इमेज ऐसे में कुछ बना हुआ आ गया। इससे पहले आपकी फ़ोटो ऐसे थी, अब इस समय वर्तमान में आप इस तरीके से अपने फ़ोटो को देख पाएंगे। तो देखिए, थाना कमाल का ट्रिक। वीडियो लाइक करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सभी आप लोग जो मेरे वीडियो को देखे, अगर मेरे वीडियो अच्छा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।